हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं संजीव कुमार आज आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोगारिथम्स या शॉर्ट में इसी को हम लोग लॉग बोलते हैं तो जानेंगे कि लोगारिथम क्या है अगर आप लोग चाहते हैं कि लोगारिथम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके बेहतर ढंग से तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें चलिए स्टार्ट करते हैं लोगारिथम तो आप देख रहे हैं कि लॉग का प्रयोग हम लोग कठिन अभिकलनों में करते हैं इसका मतलब क्या है कि हम लोग जहाँ पर जोर घटाव गुना भाग करना कठिन हो जाता है बड़ा बड़ा मतलब टर्म्स को वहाँ पर हम लोग लॉ का प्रयोग करते हैं अब आती है बात कि लॉग है क्या है ना लॉग को कैसे डिफाइन किया जाए हम लोग लॉग को बाद में डिफाइन करेंगे जानेंगे कि लॉग क्या है एक्चुअली में लेकिन उससे पहले समझने के लिए लॉग को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे देखिएगा वो ट्रिक क्या है लिखा हुआ है और लॉग इज एन एक्सपोनेंट क्या लिखा हुआ है और लॉग इज एन एक्सपोनेंट लॉग क्या है एक घात है घातांक है पावर है तो देखिएगा क्या हम लोग इसको समझते हैं इसी को हम लिख सकते हैं लॉग अ लॉग इज एक्सपोनेंट यहाँ पर इज के लिए हम लोग इक्वल साइन तो का प्रयोग करेंगे अ लॉग इज एक्सपोनेंट अब इसको समझिए तो थोड़ा जैसे यहाँ पर 8 का लॉग बेस 2 पर कितना होगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 8 का लॉग बेस दू पर कितना होगा ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं यही एक्सपोनेंट है है ना लॉग इज एक्सपोन लॉग इज एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट होगा अब देखिए तो इसी को हम लोग क्या से लिख सकते हैं घतांकी रूप में कि टू पर कितना पावर एट होगा देख लीजिए टू पर कितना पावर एट होगा तो इसी को हम लोग लिखते हैं टू पर पावर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिए कितना होगा वाट बराबर एट तो आप लिखिएगा टू पर पावर वाट बराबर टू पर पावर थ्री करेंगे तो एट होगा तो यहाँ पर जो वाट का जो साइन है उसका मान कितना आ जाएगी तीन चूंकि आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएगी बराबर इसका मतलब है कि एट का लॉग टू बेस पे एट का लॉग टू बेस पे कितना होगा तीन होगा थ्री होगा तो इसको बोलेंगे एट का लॉग बेस टू पे थ्री होगा तो हम लिख दें यहाँ पर कि एट का लॉग बेस टू पर थ्री है चलिए अब इसी बात को जनरल जनरलाइज कर दिया जाए तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं ये क्या वाई क्या है एक्सपोनेंट है वाई क्या है एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट है ये तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे अलॉग क्या पढ़ेंगे अलॉग इज एक्सपोनेंट अलॉग इज एक्सपोनेंट तो इसी को हम लोग क्या करेंगे कि बी पर पावर कितना पावर मान बी पर कितना पावर एक्स होगा है ना b पर कितना पावर x होगा तो इसी को हम लोग लिखते हैं b पर पावर y बराबर x तो दोनों चीज़ को हम लोग सेम थिंग्स ये दोनों क्या है सेम थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है ये क्या है लॉग के रूप में है और ये घातांक के रूप में है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है अब देखिए तो यहाँ पर इसी को एग्जाम्पल हम लोग ऊपर वाला लिख देते हैं जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थ्री है तो थ्री क्या एक्सपोनेंट है बराबर यहाँ पर जैसे वाई क्या एक्सपोनेंट है तो थ्री क्या एक्सपोनेंट है बराबर लॉग एट का कितना होता है थ्री माने एट का लॉग थ्री होता है टू बेस पे तो इसी बात को हम लोग अगर जांच के देखेंगे तो टू पर पावर थ्री कितना चाहिए एट तो टू पर पावर थ्री कितना होता है एट होता है तो आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब तक तो, तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कुछ करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि एक हजार है ना वन थाउजेंड का लॉग कितना होगा है ना तो देखिए यहां पर बेस गैप है जहां पर बेस गिव है नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि वहां पर बेस अपना मन से टेन लेंगे क्या लेंगे टेन लेंगे तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन है लॉग वन थाउजेंड तो यहाँ पर बेस कितना ले लेंगे टेन अब बराबर कितना होगा बराबर कितना होगा मालूम नहीं अभी कितना होगा तो हम लोग ये मान लेंगे कि एक्स होगा क्या होगा एक्स होगा तो मान लीजिए x होगा तब ये कहना चाहता है कि 10 पर कितना पावर करेंगे कि हमको एक हजार पूर्जाना चाहिए टेन पर कितना पावर करेंगे x x का मान माना क्या होगा जो एक हजार पुर जाएगी तो इसी सेम चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टेन पर पावर x बराबर वन थाउजेंड तो टेन पर पावर x इसको क्या लिख सकते हैं टेन पर पावर थ्री टेन पर पावर थ्री कितना होता है वन थाउजेंड अब यहां पर देख लीजिए टेन टेन बराबर है माना बेस क्या है इसका बराबर है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल इसीलिए एक्स का मान आ जाएगा थ्री अब देख लीजिए हम लिख सकते हैं यहां पर इसीलिए लॉग वन थाउजेंड बराबर थ्री यहाँ पर बेस हम लोग टेन लिख दिया करेंगे वैसा लॉग जिसका बेस टेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरल लॉग या कॉमन लॉग और वैसा लॉग जिसका बेस ई होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग है ना तो आप लोग समझ गए होंगे इसको चलिए यही क्या हो गया मेरा आंसर तो अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं दूसरा सेकेंड क्वेश्चन है कि लॉग वन बाई फोर का लॉग टू बेस पे कितना होगा तो मान लेते हैं अभी कितना होगा एक्स होगा अब इसी को बात हम लोग कहना चाहता है कि टू पर पावर एक्स करने पर कितना आ जाना चाहिए by तो सेम सेम थिंग थिंग है दोनों क्या उधर से टू पर पावर एक्स बराबर वन बाई फोर हो जाना चाहिए है ना तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं टू पर पावर एक्स बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू पर पावर माइनस टू देख लीजिए क्या लिख देंगे टू पर पावर माइनस टू क्या वन बाई फोर होती है तो यहां पर देखिए तो आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएगी बराबर इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस टू तो हम लिख सकते हैं इसीलिए का माइनस टू होता है क्या होता है? टू होता है अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं थर्ड की थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि थ्री का लॉग थ्री बेस पे कितना होता है तभी हम लोग क्या मानेंगे x होता है थ्री का लॉग थ्री बेस पे कितना होगा तो ये हम लोग मान लिए x होगा तो ये कहना चाहता है कि तीन पर पावर हम लोग x करेंगे तो क्या पूर्ण जाना चाहिए थ्री पूर्ण जाना चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं थ्री पर पावर x बराबर थ्री आप देख लीजिए यहां पर हम इसको पावर वन करेंगे तीन पर पावर वन क्या होगा तीन होगा तो यहां पर आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएगी बराबर इसीलिए x का मान हो जाएगी वन इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि थ्री का लोग थ्री बेस पे x माने थे तो x का मान क्या आ गया वन तो वन होता है यही आंसर हो जाएगी तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि लोगारिथम का जो मान है वो पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है और वन भी आ सकती है और हम आगे देखेंगे कि जीरो भी आ सकती है तो इसको नोट किया जाए तो चलिए अब हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन कैसा है थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन है कि वन का लॉग क्या होगा जीरो का लॉग क्या होगा और माइनस वन का लॉग क्या होगा आप लोग के मन में प्रश्न चलते रहता है कि सर जीरो जीरो का लॉग क्या होगा वन का लॉग क्या होंगे माइनस वन का लॉग क्या होगा माइनस टेन का लॉग क्या होगा माइनस वन थाउजेंड का लॉग कितना होगा तो हम लोग देखते हैं अभी कितना होने वाला है तो देख लीजिए यहाँ पर बेस गायब है सब में बेस क्या है गायब है और जहाँ पर बेस गायब रहेगा बेस दिया नहीं रहेगा गिवे नहीं रहेगा तो वहां तो पर हम लोग बेस टेन लेके बनाते हैं कितना लेके बनाते हैं टेन लेके बनाते हैं तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे लॉग वन टेन बेस पे मान लेते हैं कितना होगा एक्स होगा ये कहता है कितना होगा हम मान लिए एक्स होगा तो क्या करेंगे ये कहना चाहता है कि टेन पर पावर एक्स बराबर वन होना चाहिए देखिए टेन पर पावर एक्स वन होना चाहिए तो चलिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं टेन पर पावर एक्स बराबर इसको हम लिख सकते ना टेन पर पावर जीरो आप याद कीजिए ए पर पावर जीरो बराबर वन होता है जहाँ ए जीरो के बराबर नहीं होती है घटांक और करने में हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं ये सब ए पर पावर जीरो जैसे टेन पर पावर जीरो वन हो जाएगी एक लाख पे पावर जीरो है ना वन हो जाएगी लेकिन जीरो पर पावर जीरो वन नहीं होगा वो अगली बात हम लोग बताएंगे कैलकुलस में तो चलिए इसको समझ गए होंगे चलिए तो यहाँ पर देखिए तो आधार बराबर है बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल इसलिए एक्स का मान जीरो हो जाएगा इसलिए एक्स का मान जब जीरो आ गया तो हम बोल सकते हैं कि लॉग वन का जो वैल्यू है वो कितना होगा जीरो बेस टेन पे लॉग वन का जो वैल्यू है क्या आ जाएगी जीरो और हम अभी आपको जस्ट बताए थे कि लॉग का मान पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आ सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है अब अगला क्वेश्चन है कि जीरो का लॉग क्या होगा तो मान लीजिए जीरो का लॉग टेन बेस पे एक्स होगा अभी कहना चाहता है कि टेन पर पावर एक्स करने पर जीरो पूर्जाना चाहिए अब बताइए कोई भी एक ऐसा नंबर है x का पावर मान x के जब हम लोग कोई भी ऐसा पावर रखेंगे जो जीरो का भी पूर जाए नहीं पूरेगा टेन पर पावर वन रखेंगे टेन हो जाएगा माइनस वन रखेंगे वन बाई टेन हो जाएगा और टेन पर पावर जीरो रखेंगे तो वन हो जाएगा मतलब कोई भी x का मान ऐसा नहीं है जो टेन पर हम लोग रखेंगे तो जीरो के इक्वल हो जाएगी इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है तो ये हो जाएगा ऑनडिफाइंड ऑनडिफाइंड इसका मतलब है कि जीरो का लॉग क्या होता है ऑनडिफाइंड होता है चलिए अब माइनस वन की लॉग की बात करते हैं तो हम लोग फिर वही बात है कि मान लेंगे कि माइनस वन का लॉग टेन बेस पे एक्स होगा तो ये कहना चाहता है कि टेन पर पावर एक्स किसके कुल होना चाहिए माइनस वन के अब बताइए टेन पर पावर एक्स बराबर माइनस वन होगा एक्स के जगह पर कोई भी पावर रखेंगे वन रखेंगे तो, 10 हो तो हो वन वन टेन हो जाएगा टू रखेंगे तो हंड्रेड हो जाएगी माइनस वन रखेंगे वन बाई टेन हो जाएगा जीरो रखेंगे एक हो जाएगा माइनस वन कभी भी नहीं आएगा है ना इसका मतलब है कि माइनस वन का भी लॉग क्या होगा अनडिफाइंड होगा क्या होगा अनडिफाइंड होगा अनडिफाइंड होंगे माइनस वन का लॉग भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं तब तक इसको नोट किया जाए तो हम लोग पहले बात किए थे कि वैसा लॉग जिसका बेस 10 होता है उसको हम लोग कॉमन लॉग बोलते हैं या जनरल लॉग बोलते हैं और वैसा लॉग जिसका बेस ई होता है उसको हम लोग नेचुरल लॉग्स बोलते हैं ना तो देखिए यहाँ पर सबका जो है नेचुरल लॉग्स की हम लोग बात करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जैसे है लॉग एल एन वन है ना इसको बोलते हैं एल एन वन और इसको कहता है कि एल एन वन कितना होगा उसके बाद कहता है एल एन ई पर पावर ऑफ फाइव कितना होगी चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एल एन वन को हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग वन का ई e बेस पर देखिए वन का लॉग ई बेस पर नेचुरल लॉग है ई बेस पे कितना होगा तो मान लीजिए एक्स होगा अब इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि ई e पर पावर एक्स वन हो जाना चाहिए देखिए ई e पर पावर एक्स ई e पर पावर करने पर एक्स को वन पुर जाना चाहिए तो ई पर पावर एक्स वन हो जाना चाहिए इसी को हम क्या लिखेंगे ई पर पावर एक्स बराबर ई पर पावर जीरो लिख सकते हैं इस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं ई पर पावर जीरो आप देख लीजिए यहाँ पर बेस क्या है इक्वल है इसीलिए पावर क्या हो जाएगी इक्वल तो एक्स का मान जीरो हो जाएगा तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि इसीलिए एल एन वन का मान जीरो होता है एल एन वन का मान कितना होता है जीरो होता है चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन है एल एन ई पर पावर फाइव कितना होगा तो मान लीजिए हम लोग एक्स होगा अब ये कहना चाहता है सेम स्टेटमेंट हो जाएगी कि ई e पर पावर इसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे कि लॉग ई e पर पावर फाइव ई e बेस पे कितना होगा तो मान लेंगे एक्स होगा ये मेरा क्वेश्चन था और इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं चूंकि नेचुरल लॉग है तो इसका बेस क्या लेंगे ई लेंगे अब इसी को हम लोग आइडेंटिकल कर दीजिए ऐसा हो जाएगा ई e पर पावर एक्स बराबर क्या पूर्ण चाहिए इ टू दी पावर फाइव आप बताइए बेस क्या है इक्वल e है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल इसीलिए एक्स का जो मान है यहाँ से फाइव निकल जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगी ऐसा हो जाएगा कि एल एन पर पावर फाइव का जो वैल्यू है वो हो जाएगी फाइव यही क्या हो जाएगा आंसर तो अब हम लोग कुछ नोट्स की बात करेंगे उसको हम लोग लिखेंगे नोट्स को कि क्या है वो नोट्स तब तक इसको नोट कीजिए आप लोग तो बच्चों अब हम लोग कुछ नोट्स की बात करते हैं वो नोट क्या है देखिएगा नोट ये है कि लॉग कब डिफाइन होती है आपको हम बताया था कि लॉग के बारे में हम लोग बाद में कुछ जानेंगे तो अब वही टाइम आ गया है जानने का हम लोग इतना सारा बात जान चुके हैं तो आप लोग जानते हैं तो लॉग्स आर डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स याद रखिएगा लॉग केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होती है नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं याद रखिएगा ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स दूसरा है कि लॉग्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव बेस है ना अदर देन वन वन को छोड़कर हम लोग पॉजिटिव बेस के लिए लॉ को डिफाइन होता है इसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल आप लोग बहुत देख चुके हैं इससे पहले अब देख लीजिए लॉग ए बी जैसे मान लीजिए हम लोग पहले पढ़े हैं कि आठ का लॉग दो बेस पे इस टाइप का अगर लॉग है लॉग ए बी में ए तथा बी कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे ऊपर वही बात लिखा हुआ है कि ए और बी कभी नेगेटिव नहीं होंगे लेकिन लॉग ए बी का मान नेगेटिव हो सकता है और हम लोग अभी जस्ट पर हैं कि लॉक का मान पॉजिटिव जीरो नेगेटिव ये सब आया है ना तो लॉग का मान पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है लेकिन याद रखिएगा कि लॉग ए बी मान ए का लॉग बी बेस पे इसमें जो है ए का मान भी पॉजिटिव होगा बी का मान भी पॉजिटिव होगा अदर देन वन चूँकि बी का मान जो बेस का मान है वो एक के बराबर नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए हम अभी चर्चा करते हैं जैसे मान लीजिए कि बेस का मान अगर मेरे पास एक हो गया आप कहेगा सर बेस वन के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए तो हम इसके लिए एक बात कर देते हैं आपको लिख ही देते हैं जैसे मान लीजिए कि ये डिफाइन कब होगा तो लॉग ए बी इज डिफाइंड इज डिफाइंड वेन ए ग्रेटर देन जीरो बी ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज इक्वल टू नॉट वन देख लीजिए लॉग कब डिफाइन होगी तो जब ए का मान जीरो से बड़ा होगा बी का मान भी जीरो से बड़ा होगा वही बात दोनों लिखा हुआ है और बी का जो मान है बेस का जो मान है एक के बराबर नहीं होगा यही क्या है लॉग का डोमेन है यही क्या है लॉग का डोमेन है आप देखिए इसको एग्जाम्पल लेते हैं आप यह है कि सर बेस एक के बराबर क्यों नहीं हो सकता है अगर क्यों नहीं होगा थोड़ा बात करते हैं जैसे अगर बेस एक हो जाए तो क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं जैसे मान लीजिए कि एक पर पावर हम यहाँ पर लिख दिए वन और यहाँ पर हम लिख दिए एक पर पावर एक लाख अब बताइए वन को वन बार लिखेंगे वन होगा वन को एक लाख बार गुना करेंगे वन ही होगा ये दोनों इक्वल बात है सही बात है लेकिन आप लोग अगर ऐसे लिखिएगा कि सर यहाँ पर बेस बराबर है तो पावर बराबर होना चाहिए तो एक बराबर एक लाख हो जाएगी जो कि क्या है गलत बात है इसलिए बेस कभी भी एक के बराबर नहीं होगा जीरो के बराबर भी बेस नहीं होगा क्यों मान लीजिए जीरो पर पावर हम कर दिए यहाँ पर टेन और हम लोग यहाँ पर लिख दिए जीरो पर पावर यहाँ पर लिख दिए ट्वेल्व अब बताए जीरो को टेन बार का, लिखेंगे काउंट करेंगे जीरो गुने जीरो गुने जीरो जीरो होगा जीरो को ट्वेल्व बार गुना करेंगे जीरो गुने जीरो जीरो होगा ये दोनों स्टेटमेंट अभी ट्रू है लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए बेस बराबर है तो पावर इक्वल हो जाएगी तो हो जाएगा टेन बराबर ट्वेल्व जो कि क्या है गलत है इसीलिए बेस का मान कभी भी एक नहीं होगा और जीरो भी नहीं होंगे तो आप लोग समझ गए होइएगा कि बेस का मान क्यों क्यों एक और जीरो नहीं होगा तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन की बात करते हैं दो क्वेश्चन को सोल्व करना है तब तक इसको नोट कर लीजिए आप लोग तो चलिए हम लोग कुछ सोल्व करते हैं क्वेश्चन को क्वेश्चन है ऐसे कि बत्तीस का लॉग एक्स बेस पर यहां पर बेस का मान दिया नहीं वेरिएबल है एक्स है और यहां पर फाइव दे रखा है फाइव है तो x का मान कितना होगा है ना यहाँ पर भी x का मान देखिए दिया हुआ है बेस फाइव दिया हुआ है और उसका मान दे दिया है थ्री है तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या हो सकती है देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि log थर्टी टू बेस एक्स पर फाइव है इसका मतलब है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x पर पावर फाइव एक्स पर पावर फाइव कितना पूर्ण चाहिए बत्तीस हो जाना चाहिए है ना तो देखिए तो एक्स और पावर फाइव को रहने दीजिए बत्तीस को क्या लिख सकते हैं दो पर पावर फाइव लिख सकते हैं तो आप देख लीजिए वहां पर पावर बराबर है पावर क्या है बराबर है इसलिए आधार क्या होना चाहिए बराबर इसलिए एक्स का मान आ जाएगा टू तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि लॉग बत्तीस एक्स अच्छा यहाँ पर एक्स के लिए सोल्व करना है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमको सिर्फ एक्स का मान चाहिए तो एक्स का मान क्या हो जाएगा टू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लॉग एक्स फाइव बेस पे थ्री दिया हुआ है एक्स का मान हमको ज्ञात करना है तो चलिए पाँच पर पावर तीन यहाँ पर देख लीजिए पाँच पर पावर थ्री एक्स पूर् देना चाहिए तो फाइव पर पावर थ्री बराबर एक्स होना चाहिए देखिए फाइव पर पावर थ्री एक्स पुर देना चाहिए तो फाइव पर पावर थ्री कितना हो जाएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव बराबर एक्स इसलिए जो मेरा एक्स का वैल्यू है आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर तो अब हम लोग कुछ लॉ लो की बात करेंगे लॉ से कुछ लॉ है उसको हम लोग लिख लेते हैं इसको नोट किया जाए तो अब हम लोग लॉ की बात करते हैं नियम की बात करते हैं कुछ फार्मूलाज है इसमें उसको हम लोग देखते हैं क्या है फार्मूला जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि तीन का लॉग तीन बेस पे वन होता है तो हम बोल सकते हैं कि अगर आर्गूमेंट भी सेम हो और बेस भी सेम हो तो उसका मान हमेशा वन के बराबर इक्वल होगा अगर मान लीजिए ऐसा है कि लॉग ए पर पावर अल्फा और बी पर पावर बीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बट्टा बीटा ये जो पावर है वो बटा में आ जाएगी अल्फा बट्टा बीटा लॉग ए बी अब देख लीजिए यहाँ पर ये पावर एन वाला है जैसे लॉग एम पर पावर एन है और बेस ए है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर जब भी रहेगा तो गुना में आ जाएगा एन गुने लॉग एम ए ये है ना लॉग एम का लॉग ए बेस पे ऐसा हो जाएगा अब दूसरा है कि अगर दोनों गुना में है एम और एन दोनों क्या है गुना में है तो क्या हो जाएगी जैसे हम लोग घतांग करने में गुना में है तो उसको जोड़ देते हैं ठीक उसी प्रकार लॉग भी क्या आ जाएगा में आ जाएगा भाग में रहेगा तो घाटाओं में आ जाएंगे और अगर ऐसे लिखा हुआ है लॉग ए बी इसको आप चेंज करना चाहते हैं है ना तो बेस चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वन बाय लॉग बी ए लिख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए बेस बी था यहाँ पर बेस क्या है ए है तो ये बेस चेंज ऐसे हम लोग कर देते हैं है ना तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हम फिर लेके आएंगे अगला वीडियो तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद